क्या आपने कभी एक ऐसे इल्यूजन को देखा है जिसमें मिरर के सामने रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट स्क्वायर शेप में है, लेकिन मिरर के अंदर यही ऑब्जेक्ट सर्कल शेप में दिखाई दे रहा है? आखिर ये इल्यूजन ऐसा हो क्यों रहा है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। तो गाइस, दुनिया में ऐसे बहुत सारे इल्यूजन है जिन्हें देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे इल्यूजन दिखाऊंगा जिन्हें आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा, और इसी के साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये इल्यूजन हुआ कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 माइंड ब्लोइंग ऑप्टिकल इल्यूजन्स इन द वर्ल्ड, जिसमें सबसे पहले है फ्लैट 3D इल्यूजन। गाइस, ये 3D इल्यूजन ऐसा होता है जिसे देखते ही आपकी आंखें धोखा खा जाएंगी। इसमें सामने रखी हुई चीज आपको बिल्कुल ही असली दिखाई देगी, आपको ये लगेगा कि शायद ये असली है। जैसे ये टेबल के ऊपर रखे हुए इस रूबिक क्यूब, टेप और शूज को देख ही सकते हैं, जो कि देखने में एकदम ही रियल लग रहा है, और ऐसा लग रहा है मानो कि ये टेबल के ऊपर रखे गए हैं। और इस रूबिक क्यूब को जब आप जूम करके देखेंगे तो ये एकदम ही रियल दिखाई देगा, लेकिन जब इसे रोटेट किया जाएगा तो ये सिर्फ एक 3D इल्यूजन है। ऐसे ही ये सामने रखा टेप भी आपको वीडियो में बिल्कुल ही रियल दिखाई दे रहा होगा, और ये शूज भी देखने में आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि ये टेबल के ऊपर या एक पेज के ऊपर रखा हुआ एकदम ही रियल शूज है। लेकिन जब इसके पेपर को रोटेट किया जाता है तो ये पता चलता है कि ये तो एक 3D इल्यूजन है। इस 3D इल्यूजन को बनाने के लिए पेपर के ऊपर एक पेंटिंग बनाई जाती है जिसकी डिटेलिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि जो पेपर पर बनाई हुई चीज है वो एकदम ही रियल लगे। और इस पेपर पर बनाने वाली चीज को एकदम ही परफेक्ट साइज और शेप में बनाया जाता है, जिससे कि ये 3D इल्यूजन क्रिएट हो सके। नेक्स्ट है एम्बिगुअस सिलेंडर इल्यूजन। गाइस, ये एक ऐसा इल्यूजन है जिसे देखते ही आपका दिमाग घूम जाएगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई आखिर ये हो कैसे रहा है। और इस इल्यूजन में आप कितना भी दिमाग क्यों ना लगा लें, फिर भी आप इसे नहीं समझ पाएंगे। इसमें मिरर के सामने एक स्क्वायर शेप में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, जो कि रियल में तो ये ऑब्जेक्ट स्क्वायर शेप में होता है, लेकिन यही ऑब्जेक्ट मिरर में बिल्कुल ही गोल शेप में दिखाई देता है। जैसे ये बहुत सारे स्क्वायर शेप के डिजाइन मिरर के सामने रखे गए हैं, और ये मिरर में ये सारे के सारे डिजाइन कुछ और ही शेप में दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये हो कैसे रहा है? अगर आप में से किसी को भी समझ आया तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, ये एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसमें इस स्क्वायर शेप में बने हुए ऑब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी से और एक परफेक्ट डिजाइन में कट किया जाता है, जो कि नीचे से पूरी तरह से फ्लैट होता है, लेकिन ऊपर की तरफ इसमें जो किनारियां होती है उन्हें हल्का सा कर्व करके कट किया जाता है, जिसकी वजह से यही स्क्वायर शेप में बना ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर गोल शेप में दिखाई देता है। नेक्स्ट है 3D ऑप्टिकल इल्यूजन। गाइस, ये 3D ऑप्टिकल इल्यूजन आपके दिमाग को घुमा देंगे, जिसमें ये चार पैरों की बनी हुई ये चीज देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके ये चारों पैर या इसके चारों पोल्स एकदम ही स्ट्रेट हैं, लेकिन जब इन्हीं पोल्स के बीच में एक पेंसिल को डाल दिया जाता है तो ये देखने के बाद तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि भाई ये आखिर हुआ कैसे। तो गाइस, जब आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करके देखेंगे तो आपको ये सारी चीज समझ आ जाएंगी, क्योंकि इसके ये जो चारों पोल्स हैं इन्हें ऐसे डिजाइन किया गया है जिन्हें एक पर्टिकुलर एंगल से देखने पर ये चारों ऐसे दिखाई देते हैं मानो कि ये बिल्कुल ही सीधे हों, लेकिन इन चारों के चारों पोल्स को टेढ़ा बनाया गया है, इसीलिए इस पेंसिल को इनके बीच में डाल पाए। अब गाइस, ये दोनों पोल्स हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और जो कि देखने में बिल्कुल ही सीधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बीच से ये मेटल के सर्कल को डाल दिया जाता है। आखिर ये हुआ कैसे? तो इन दोनों पोल्स को भी ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे एक पर्टिकुलर एंगल से देखने पर ये दोनों बिल्कुल ही सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन जब इसे रोटेट किया जाता है तो ये दोनों पोल्स कुछ इस तरह से तिरछे होते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर टू सर्कल इल्यूजन। गाइस, ये जो आप अभी स्क्रीन पर इस डिजाइन को देख रहे हैं, जो कि देखने में आपको बिल्कुल ही स्क्वायर शेप में दिखाई दे रही होगी, लेकिन जैसे ही आप इसके करीब जाते हैं तो ये कुछ कर्व होती हुई नजर आती है, और फिर जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पीछे चले जाते हैं तो यही ऑब्जेक्ट स्क्वायर शेप से सर्कल शेप में चेंज हो जाता है, जो कि देखने में वाकई में अमेजिंग लगता है। क्या आप कोई ऐसा इल्यूजन घर पर बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो मुझे भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है ट्रायंगल इल्यूजन। गाइस, ये इल्यूजन आपने कभी ना कभी इंटरनेट पर जरूर देखा होगा, जो कि देखने के बाद बिल्कुल ही समझ नहीं आता है कि ये इल्यूजन आखिर शुरू कहाँ से होता है और इसका एंड कहाँ पर होता है। इसे आप जिस भी एंगल से देखेंगे ये देखने के बाद आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर इसे बनाया कैसे गया होगा। तो गाइस, इस इल्यूजन को जब आप रोटेट करके देखेंगे तो आप एक सेकंड में ही सब कुछ समझ जाएंगे कि आखिर इस इल्यूजन को कैसे बनाया जाता है। अब इस ट्रायंगल की मिस्ट्री को आप समझ ही चुके होंगे कि भाई आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल बॉल्स इल्यूजन। गाइस, ये बॉल्स से किया हुआ एक ऐसा इल्यूजन है जो कि देखने में आपको लग रहा होगा या फिर तो आप अपने दिमाग से सोच रहे होंगे कि ये बॉल्स यहाँ पर नहीं रुकेंगी, लेकिन ये बॉल्स उसी पॉइंट पर जाकर रुकती हैं, क्योंकि जिसके ऊपर इन बॉल्स को डाला जाता है इसको ऐसे ही डिजाइन किया गया है जो कि देखने में आपको जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। अब जैसे इसी ऑब्जेक्ट को देख लीजिए,
जहाँ पर एक बॉल को छोड़ने के बाद ये इस पॉइंट पर जाकर रुकती है, जहाँ पर देखने पर लगता भी नहीं है कि ये बॉल यहाँ पर आकर रुकेगी भी। अब इसे जब आप रोटेट करके देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि आखिर ये बॉल यहाँ पर कैसे रुक रही थी। और ये इल्यूजन देखने में आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि ये कोई ऊंची चीज है और जहाँ पर ये बॉल नहीं जा पाएगी, और अगर चली भी जाएगी तो ये दूसरी साइड से नीचे चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सीधा बीच में ही जाके रुकती है। ऐसा ही सेम इस इल्यूजन में भी होता है, जहाँ से बॉल को डाला जाता है ये पॉइंट ऊंचा होता है, जहाँ से ये बॉल बीच में जाके रुकती है। इस इम्पॉसिबल बॉल इल्यूजन के बारे में तो अब आप अच्छे से समझ ही चुके होंगे। नेक्स्ट है एम्स रूम इल्यूजन। गाइस ये रूम में ही एक ऐसा इल्यूजन होता है जिसमें आप खुद को ही बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप चाहें तो इस रूम में खुद बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, क्योंकि इस रूम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिसमें इसकी छत तो बिल्कुल ही प्लेन होती है, लेकिन नीचे के एक कोने को एक्स्ट्रा बड़ा किया जाता है, जिसकी वजह से ये रूम के अंदर ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो पाता है। नेक्स्ट है टी-रेक्स इल्यूजन। गाइस इस इल्यूजन में आप जो सामने रखे डायनासोर की तरफ देख रहे होते हैं, तो इसे देखते हुए आपको ऐसा लगेगा कि ये आपको ही देख रहा है, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये आपको फॉलो करता जाएगा। तो गाइस इस इल्यूजन में आपकी आंखें बहुत ही अच्छे से धोखा खा जाएंगी। ये डायनासोर या ये ऑब्जेक्ट आपको देखने पर ऐसा लग रहा होगा कि ये रियल में सामने बैठा है, लेकिन जब आप इस ऑब्जेक्ट के पीछे की साइड देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट को कैसे डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है सर्कल इल्यूजन। गाइस अभी जो आप स्क्रीन पर इस रेड सर्कल को देख रहे हैं, ये देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके बीच में ये व्हाइट पॉइंट से बना एक और सर्कल घूम रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसे शुरू से समझाता हूँ। अगर आप इस रेड सर्कल के बीचों बीच में एक लाइन खींचते हैं और उस पर मान लो कि एक व्हाइट बॉल को छोड़ दिया गया है जो कि इस लाइन पर सीधी सीधी ट्रेवल कर रही है, ऐसे ही सेकेंड लाइन को भी एड किया गया, उस पर भी एक व्हाइट बॉल चल रही है। तो ऐसे ही करते करते जब इस रेड सर्कल के अंदर बहुत सारी लाइन्स को खींच लिया जाता है और उन सभी लाइन्स पर एक व्हाइट बॉल को छोड़ दिया जाता है, तो ये सारी बॉल्स इस सर्कल के अंदर ऐसे ट्रेवल कर रही होती हैं मानो कि इन्होंने इस रेड सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना लिया हो, लेकिन ये बॉल्स तो सिर्फ अपनी लाइन पर ही ट्रेवल कर रही होती हैं। अब गाइस नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट इल्यूजन है टाइल्स इल्यूजन। गाइस ये एक ऐसा इल्यूजन है जिसे देखने के बाद जब आप इसके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे तो आप अपने पैरों को सही से रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि सामने की तरफ कोई गड्ढा है और आप अपने पैरों को भी सही से नहीं रख पाएंगे। लेकिन ये एक आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया एक ऐसा इल्यूजन है जो कि प्रिंटेड टाइल्स के द्वारा फर्श के ऊपर बनाया जाता है, जिसमें एक एक टाइल को बहुत ही बारीकी से ध्यान रखकर लगाना पड़ता है, तभी कहीं जाकर ये इल्यूजन बनता है, और देखने में ये बिल्कुल ही रियल जैसा लगता है। लेकिन ये नीचे पूरा ही फ्लैट फर्श होता है जिसके ऊपर आप नॉर्मली बड़े ही आराम से चल सकते हैं। ऐसे इल्यूजन को ज्यादातर होटल की गैलरी में लगाया जाता है और लोग इसे देखते ही जमीन पर ध्यान से चलने लगते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ये इस बने हुए गड्ढे में गिर ना जाए। वैसे गाइस आपको इन सभी ऑप्टिकल इल्यूजन्स में से सबसे बेस्ट इल्यूजन कौन सा लगा, और क्या आप इन सभी इल्यूजन्स में से किसी भी एक इल्यूजन को अपने घर पर बना सकते हैं, तो वो कौन सा इल्यूजन है जिसे आप अपने घर पर बना सकते हैं, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।